प्रभात बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। मैं आज आप लोगों को बीएड प्रथम वर्ष की सब्जेक्ट 7 ए हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत निर्धारित सिलेबस रचना शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिएगा और इसके द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रचना शिक्षण है क्या। तो रचना से तात्पर्य या रचना का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मित करना, किसी वस्तु की रचना करना। उसी प्रकार जब हम अपने हिंदी भाषा के अंतर्गत कविता की रचना करते हैं, कहानी की रचना करते हैं, निबंध की रचना करते हैं, तो ये हमारे रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचना का शाब्दिक अर्थ है बनाना या बनी हुई निर्मित की गई वस्तु या कृति। इसलिए इस प्रकार ये भी हम कह सकते हैं कि रचना लेखन पूर्णतः लेखन कौशल से संबंधित है। रचना लेखन कौशल की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसके साथ ही हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में इसका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कि रचना शिक्षण के कितने प्रकार हैं। तब यहाँ पे हम दो प्रकार आपको बताएंगे। पहला है नियंत्रित रचना, एक है मुक्त रचना। तो नियंत्रित रचना में जो है हम उस रचना को सम्मिलित करते हैं जिसमें हम व्याकरण के द्वारा जो रचनाएं करते हैं उसमें व्याकरण की त्रुटियों को दूर करते हैं, वो जो है नियंत्रित रचना के अंतर्गत आती है। और उसी प्रकार दूसरा प्रकार है आपका मुक्त रचना। मुक्त रचना में जो है छात्रों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने की छूट दी जाती है। जैसे निबंध लिखना, किसी भी टॉपिक पर या प्रकरण पर निबंध लिखना, पत्र लिखना, समाचार लेखन लिखना या प्रतिवेदन लिखना, ये सब जो है आपके मुक्त रचना के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य आपका है कि छात्रों में अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट करने की योग्यता का विकास करना। रचना शिक्षण से ये लाभ होता है कि छात्रों को विशेष रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की छूट दी जाती है। दूसरा है छात्रों की तार्किक कल्पना संबंधी तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना, इसमें काल्पनिक शक्तियों का विकास होता है। और तीसरा इसका है कि आप इसके अंतर्गत किसी भी छात्र की भाषा शैली को सुव्यवस्थित बनाना, उसकी भाषा वर्तनी को शुद्ध त्रुटियों को शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखना, समान भूलों को दूर करना। इस प्रकार अगला जो विशेषता इसकी है कि छात्रों में शब्द को उसकी वृद्धि करना, उन्हें कहावतों मुहावरों लोकोक्तियों प्रयोग करने की क्षमता पैदा करना। इसके बाद अगला है हिंदी भाषा तथा उसके साहित्य के प्रति छात्रों में अनुराग पैदा करना। मतलब कि रचना शिक्षण के अंतर्गत हम जो है छात्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और उन्हें अपने मुक्त रचना करने के लिए छूट प्रदान कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य इसका यह है कि अवकाश के समय में छात्रों को अपने समय का सदुपयोग करना, ये जो है आपके रचना शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हो गए। अब हम बात करते हैं कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद छात्रों में कौन कौन से व्यवहार परिवर्तन होता है। तो पहला जो है परिवर्तन ये होता है कि छात्र अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट कर सकते हैं। दूसरा वह है कि वे सक्रिय शब्द कोश का उचित प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है वे तर्क संगत ढंग से सोच सकते हैं। अगला पॉइंट चौथा है उपयुक्त लेखन को अपना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि साहित्य के सृजन के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि रचना शिक्षण के द्वारा और क्या क्या हम उनके परिवर्तन ला सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रवाचित शब्द लिखना, प्रवाचित शब्द बच्चे लिख सकते हैं, समानार्थी शब्दों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, शब्दों के तत्सम रूप को लिख सकते हैं, शब्दों के विलोम शब्द को लिख सकते हैं, शब्द युग्म का स्वचालित वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद लिख सकते हैं, पत्र लेखन कर सकते हैं, कहानी लेखन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हम जो है इनको जो छात्रों के अंदर महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं के द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहार को परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो रचना शिक्षण का जो है मौलिकता में लाने के लिए उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय यह है कि विद्यार्थियों के सामने विभिन्न शैलियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन्हें शैली चुनाव की छूट देनी चाहिए। दूसरा जो है उपाय है कि छात्रों को निरीक्षण एवं स्वाध्याय से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा है
छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और तभी यह संभव हो सकता है जब छात्र के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। इसके बाद ये भी हम उपाय कर सकते हैं कि छात्रों को अपनी बात अपनी शैली में लिखने की छूट देनी चाहिए, तभी वो अपनी शैली का निर्माण कर सकते हैं और सही रचना का निर्माण कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए एक उपाय और है कि छात्रों को अपनी बात शैली छात्रों के निबंध के साथ अन्य प्रकार की रचनाओं का अभ्यास कराना चाहिए, जैसे नाटक है, कहानी है। इन चीज़ों को जो हम बोल देंगे बच्चों के सामने करने के लिए अभ्यास कराते रहेंगे तो बहुत ही सुंदर रचना शिक्षण का निर्माण बच्चे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है विद्यार्थियों से मौलिक लेख कहानी कविताओं की रचना कराई जाए। इसके अलावा विद्यालय पत्रिका प्रकाशित किया जाए, जैसे अपने यहाँ दिव्याशा पत्रिका प्रकाशित होती है और समय समय पर मौलिक लेख कहानी और कविताओं की प्रतियोगिता किया जाए। ये जो हमारे रचना शिक्षण के अंतर्गत ये सब बिंदुए हैं। इस बच्चों को हम ध्यानपूर्वक अपने में सुना और अगली कक्षाओं में फिर इनके हम महत्व और आवश्यकता के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।